भागलपुर के नवगछिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित अर्धनिर्मित मनरेगा भवन से बरामद महिला के शव की पहचान हो गई है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को स्टेशन चौक के पास रखकर सड़क जाम कर दिया। लोगों ने एसपी डीएसपी और नवगछिया थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए और सड़क पर टायर जलाकर आक्रोश जताया। जानकारी के मुताबिक नवगछिया में सोमवार को ब्लॉक परिसर से एक महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान बाद में राजेंद्र कॉलोनी की संजो देवी के रूप में हुई थी। परिजनों का कहना है कि महिला की हत्या हुई, उसके बाद शाम में मृतक महिला के परिजनों ने स्टेशन रोड नवगछिया में शव को रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। दरअसल घटना की सूचना को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर गई थीं। महिलाओं ने कहा कि अब नवगछिया में कोई सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने कहा कि हत्यारों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। परिजनों ने बताया कि महिला बाजार के राजेंद्र कॉलोनी के बिसाई टोला निवासी किशोर पासवान की पत्नी संजो देवी उर्फ सुनीता देवी थी। महिला रविवार सुबह 7 बजे घर से निकली थी और सोमवार को उसका शव मिला। उसका पति बेंगलोर में मजदूरी करता है। हम कर रहे हैं एक गरीब दलित महिला के साथ में अभद्र किसी ने बलात्कार करके उसके साथ में रेप करके कई लोगों ने, और वो भी शर्म की बात है कि हमारे प्रशासन के नाक के नीचे ऐसी घटना हुई, जिसको कि खाने का है इतने छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, 40 साल की महिला है, उसके साथ किसी ने घिनौना बर्ताव करके उसको मार के फेंक दिया। हमारी क्या सम्मान रह गई, हमारी वहाँ महिला की कोई इज्जत नहीं रह गई। हम लोग को इंसाफ दिलाई, एक दलित महिला के साथ में ऐसा हुआ। क्या चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ दीजिए। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमको, पूरा जांच चाहिए, जो जो है उसको पकड़िए, उसको यही चाहिए, हमको यही चाहिए, उसको जितना से जितना। रुकिए, घर टोला। पापा कहाँ रहते हैं? बाबू पापा बेंगलोर में गया, गरीब है, कमाने के लिए जाता है। कब गए हैं? परसों। अच्छा, कल तो बेचारा। मम्मी कब निकली थी घर से? मम्मी परसों, मम्मी भी निकली थी 7 बजे सुबह में। अच्छा, कहाँ बताई थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोली। क्या कैसे पता चला? कैसे पता चला? किसी को फोन, कोई फोन नहीं भी आया था? नहीं। कैसे पता चला बाबू? कैसे पता चला ये मेरा मम्मी का बॉडी है? रुमन का लड़का था, बोल रहा था उसी के पास जा रहे हैं पैसा लेने। कब बोली? मम्मी को, मेरी चाची को बोली थी। अच्छा, चाची को बताई। कब, कैसे पता चला कि मेरी मम्मी का बॉडी मिला है? चाची। महिला का पति छठ पर्व में घर आया था और 3 दिन पहले वापिस बेंगलोर चला गया। महिला की हत्या के बाद उसकी बेटियां प्रीति, नीलम और नैना, नंदिनी और पुत्र शिवम का रो रो कर बुरा हाल है। नवगछिया से खुलासा के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।